Hello everybody, I'm your educator Akita Pal, and I'm once again here with another lesson in the course The 10 Most Important Topics in Indian Polity, which is beneficial for your UPSC CSE examination from GS Paper 2 point of view. I hope you have studied the previous lessons. Aap pehle ke lessons jo hain jo hum logon ne is course mein publish kiye hain wo aap pehle dekh chuke hain, because if you have already gone through them, it would be quite easier for you to understand this lesson. Before beginning, there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel, Arpita Sharma Classes, if you want to have the daily Hindu news analysis, an analysis of important international organizations, your daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes, polity classes, important Indian polity classes, economics classes, economics MCQ series and whatnot. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking live plus courses on an Academy Plus platform. So you can use the code SHARMA20 to get 10% discount and reap the benefits. I hope that you will reap the benefits by using the following code. So let's begin. Now, today's lesson will basically deal with the constitutional provisions for panchayats. ठीक है, अब panchayats के या जो पंचायती राज institutions हैं उनके लिए कौन कौन से constitution में provisions हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. So beginning with the articles. अगर articles की बात करें, Article 243 to Article 243O deals with the panchayati raj provisions. Constitutions में Article 243 से लेके 243O तक panchayati raj institutions के provisions दिए गए हैं कि panchayati raj institutions क्या होते हैं, उनकी definition, उनको कैसे empower कर सकते हैं, कैसे organize कर सकते हैं. All this has been given in the Articles 243 to 243O. इट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसका एक सिस्टम है. जैसे अगर आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं, तो 73rd और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिकली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको एम्पावर करने की बात की गई थी. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके दो तरह की गवर्नमेंट आती है, अर्बन एंड रूरल. ठीक है, अब इसमें से जो रूरल गवर्नमेंट होती है दैट दे आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. हम अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन आई हैव जस्ट स्पेसिफाइड इट हियर. ठीक है, अब अगर सेंट्रल और स्टेट लेवल की बात करें, वहां पर यू हैव डेमोक्रेसी. सेंट्रल गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है और स्टेट गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है. क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है. बट वॉट अबाउट द लोकल लेवल? लोकल लेवल पे क्या है? लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं, इसीलिए कहते हैं कि लोकल लेवल पे यू हैव ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, एट लोकल लेवल यू हैव ब्यूरोक्रेसी. सो एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल यू हैव सेंट्रल डेमोक्रेसी एंड स्टेट डेमोक्रेसी, बट एट लोकल लेवल यू हैव ब्यूरोक्रेसी. अब इसीलिए क्या नीड क्यों हुई हम लोगों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप करने की? बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट. ग्रास रूट लेवल पे हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है, दैट इज वाई इट इज नीडेड दैट वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसे ही अगर आप महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी वॉज वेरी मच वोकल अबाउट इंडिया डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल. ही सेड इंडिया डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली वेन द विलेज डेवलप, बिकॉज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडिया लिव्स इन विलेजेस. महात्मा गांधी के हिसाब से ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहुत फेवर करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भारत है हमारा, जो असली भारत है, वो तो गांव में रहता है. अगर आपने गांव को डेवलप नहीं किया तो आप इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते. डेफिनेटली क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरियाज में. रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज लीड टू माइग्रेशन. अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी रूरल एरियाज में तभी तो माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन कहाँ होता है? अर्बन एरियाज की तरफ. अब माइग्रेशन जब होता है तो अर्बन एरियाज भी ओवरलोडेड हो जाते हैं या उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है. तो इसीलिए इस चीज को कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला कि हमें जरूरत है कि हम पूरे भारत को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमारी विलेजेस डेवलप, तभी इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है. अब हिस्टोरिकली अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने जो बात कही है वो सिर्फ वहीं से शुरू हुई थी, या लोकल गवर्नमेंट का जो एक एग्जाम्पल था वो सिर्फ महात्मा गांधी ने दिया था. हिस्टोरिकली अगर देखें तो हिस्टोरिकली
वी हैव द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अगर आप चोल गवर्नमेंट की देखें, चोल एम्पायर में भी लोकल गवर्नमेंट प्रिवेल करती थी. ऐसे ही प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, देन देयर वर सक्सेसफुल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट वर रनिंग इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सक्सेसफुल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे वो रन कर रहे थे इन महाराष्ट्र एंड गुजरात स्पेशली. और यहाँ पर ये सक्सेसफुल भी थे, ऐसा नहीं कि देवर अ फेलियर, देवर क्वाइट सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स. Also, if you remember, Lord Ripon is also known as the father of local self-government. इसका मतलब ये है कि उन्होंने pre-independent India में local self-government establish करने की कोशिश की, right? But what happened after independence, or what happened in post-independence India? In post-independent India, various community development programs and national extension program was created. इसको जरूर याद रखिएगा. NEP 1953 में introduce किया गया था. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट दे प्रूव टू बी अ फेलियर. अ फेलियर क्यों थे, किस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सी, लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे. हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली ये गांधीयन आइडियोलॉजी है जिसको हम लोग जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं. एंड दैट इज वाई इफ यू हैव गॉन थ्रू द लेक्चर ऑन डीपीएसपीज, हमने डीपीएसपीवाई लेक्चर में देखा था आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज और एम्पावर करने की बात करता है, विच इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, राइट. हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स टू ऑर्गेनाइज, बेसिकली आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पावर देम टू वर्क as successful units of local self government, right? So article 40 कहता है that it is the responsibility of the state government. State government की responsibility है कि वो पंचायती राज institutions जो है उनको organize और empower करें so that they work as successful units of or efficient units of local self government. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज कर एम्पावर करें कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह या सक्सेसफुल और एफिशियंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके. इट इज ऑल्सो गांधीयन प्रिंसिपल बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हम एम्पावर करें हमारे ग्रास रूट लेवल के लोगों को, एम्पावर द ग्रास रूट ऑफ द कंट्री. अगर ग्रास रूट को हम एम्पावर करेंगे तभी जाके भारत का डेवलपमेंट पॉसिबल है. क्योंकि देखिए वोटर तो हर जगह से आता है ना. The voting is done. Anybody who is above the age of 18 years in India is eligible to vote in the general elections. So if you are eligible to vote, then it is also necessary that you are able to voice out your opinions. You are able to connect to the masses. You are able to discuss your problems with the government. Now, everybody cannot go to the central government. Everybody cannot write to the prime minister because of the problem of illiteracy in India. Most of the people or many of the people in India are illiterate. Har jagah ki literacy level itna acha nahi hai. To har koi pradhanmantri tak apni jo problems hai wo nahi pahuncha sakta. Har koi governor tak nahi ja sakta. Har koi chief minister tak nahi ja sakta. Isiliye to connect the masses to the grassroots level or to connect the central government or the state level authority to the grassroots, it is necessary to have a local government which acts as a communication channel between central government and the masses. So, a communication channel की जरूरत है, and that is why we need a local self government. And this is because, और इसीलिए जो local self government है उनको state list का भी एक हिस्सा बनाया हुआ है. ठीक है, state list का पार्ट है, मतलब ये state government की responsibility है कि वो अपने respective states में पंचायती राज institutions organize करें और उनका empower करें. बट इसीलिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है या और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू ऑर्गेनाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. टू ऑर्गेनाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, बिकॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज, राइट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज कर सकता है, दैट इज वाई डिफिकल्ट हो सकता है. क्योंकि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक पर्टिकुलर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराना चाह रही हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक दूसरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. दैट इज वाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज कराना. नाउ अब क्या हुआ कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई. गवर्नमेंट्स ने सोचा कि ठीक है हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में डेवलप कराना है, ऑर्गेनाइज कराना है, तो एक पर्टिकुलर कमिटीज बनाई गई.
जैसे बलवंत राय मेहता कॉमेडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिलिम्स के लिए तो स्पेशली, बिकॉज डायरेक्टली पूछ सकते हैं बलवंत राय मेहता कॉमेडी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इस तरह से बलवंत राय मेहता कॉमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर आप रिकमेंडेशन देखें, सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे या थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, जहां पर एक जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत. तो थ्री टीयर सिस्टम बोला बलवंत राय मेहता जी की जो कमेटी थी, उन्होंने कहा कि हमें थ्री टीयर सिस्टम बनाना चाहिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर करें कि वो वहां पर जो उनके या उनको पावर्स दी जाए कि वो अपनी जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कर सके. दिस वॉज वन ऑफ द मेन और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी. अब जिला परिषद जो होगा वो उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट लेवल, वेयर एज ग्राम पंचायत एट लोकल लेवल या विलेज लेवल. ठीक है, ये बोला गया बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में. बहुत सारी रिकमेंडेशन थी वो सुनी गई, बट वो जो बिल था वो फाइनली पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया. तो एक सेकंड कमेटी बनाई गई. सेकंड कमेटी वॉज द अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि नहीं ठीक है, अब बाकी रिकमेंडेशन तो ठीक है, बट जो थ्री टीयर सिस्टम है लेट अस रिप्लेस इट विद द टू टीयर सिस्टम. ऑल्सो द अशोक मेहता कमेटी आस्क फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बेसिकली द डिप्रेस क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, but this is what the recommendation of Ashok Mehta committee was. Zila Parishad and Mandal Panchayat. So basically a two-tier system. उन्होंने कहा कि आप एक two-tier system बनाए जिला परिषद और मंडल पंचायत. Also उन्होंने अभी हमने क्या discuss किया, उन्होंने reservation की बात की. तो reservation किनको? Reservation to the SCs and STs according to their population. ठीक है, किसी भी हमें एरिया में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमें अगर रिजर्वेशन देना है तो एसटीज और एसटीज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको रिजर्वेशन देना चाहिए. और यहाँ सिर्फ एससी एसटी की नहीं, विमेन की भी बात की गई. विमेन के लिए कहा गया कि 1/3 सीट्स जो है, नॉट लेस देन 1/3 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू बी रिजर्व फॉर विमेन. वाई? टू एम्पावर द वुमेन ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो वुमेन है वो जो हायरार्की है उसमें आगे आ सके, एम्पावर हो सके और फाइनली जो अपने ग्रीवेंसेस हैं उनको सबके सामने रख सके. सो दिस वर दीज वर द रिकमेंडेशन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कमिटी वॉज एल एम सिंघवी कमेटी. अब एल एम सिंघवी कमेटी की एक इम्पॉर्टेंस क्या थी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि उन्होंने कहा कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करें. बिकॉज जो प्रीवियसली हमने देखा जितनी भी कमिटीज आई उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए, बट कहीं ना कहीं देवर अ फेलियर, बिकॉज उनकी जो या जो कमिटीज के रिकमेंडेशन हैं वो पार्लियामेंट में तो बिल पास नहीं हो पाया. कभी वो सरकार गिर गई या फिर कभी राज्यसभा से पास हो गया, कभी लोकसभा से पास हो गया पर दूसरे हाउस में पास नहीं किया. सो फाइनली तो फेल रहे वो कमिटीज, बिकॉज उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या जो उनकी रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. तो एल एम सिंघवी कमेटी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें पंचायती राज या फिर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जरूरी है. एंड दैट इज वाई 73rd Constitutional Amendment Act was done in 1992 में 73rd Constitutional Amendment Act लाया गया, जिसने क्या किया, it basically transitioned the representative to participatory democracy. एक transition हुआ representative से participatory democracy का. देखिए state और central level पे तो हमारी representative democracy है, how is it a representative democracy at the central and state level? See, suppose I am a voter, I vote for a particular party, I vote for a particular candidate in the elections and that candidate is elected. If that candidate is elected, they are my representative because I have chosen the candidate to put my grievances at the central or the state level or the national level. So that is the representative democracy. But what about the local level? Do we have elections? Do we have a government? No. So it allowed the participation of people at local level. Hence, it was a transition from representative to participatory democracy. Now, what else did the 73rd Constitutional Amendment say? It said that it is the duty of the state governments to create PRIs or Panchayati Raj institutions. State government ne kaha ki jo state ki, sorry, 73rd Constitutional Amendment mein kaha gaya ki jo state governments hai, ye unki duty hai ki wo Panchayati Raj institutions banaye, create kare. क्योंकि फ्रेमवर्क तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दे दिया है,
फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मिल गया है ना, कि आपको किस तरह से क्रिएट करना है, क्या क्या पावर्स हो सकती हैं, किस तरह से आप इलेक्शंस करेंगे, वो सब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में गिवन है। वो हम जो प्रोविजंस हैं आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेमवर्क वॉज प्रोवाइडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्रिएट PRIs, बिकॉज देयर आर सम वॉलंटरी एज वेल एज सम कंपल्सरी प्रोविजंस। वॉट आर द वॉलंटरी प्रोविजंस? सी, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी प्रोविजंस। कंपल्सरी प्रोविजन तो क्या है कि आप क्रिएट create करें, भाई क्रिएशन तो जरूरी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। वॉलंटरी क्या है कि उनको किस तरह से एम्पावर किया जा सके या कौन कौन सी पावर्स दी जा सके, ठीक है, कौन सी पावर्स देनी है कौन सी पावर्स नहीं देनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो एक तरह से ये कहा गया कि ठीक है, ये तो ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करें, पर उनको क्या पावर देनी है ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। नाउ देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच यू मस्ट नो, विच यू मस्ट रिमेम्बर, बिकॉज डायरेक्टली प्रोविजन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। फर्स्ट प्रोविजन इज द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा। वॉट डिड इट आस्क? इट आस्क द स्टेट गवर्नमेंट दैट इट इज कंपल्सरी टू क्रिएट अ ग्राम सभा। Now this was or the creation of Gram Sabha was a compulsory provision ki bhai ye to aapko banani hai, Gram Sabha to aapko banani hai. Now you would ask what is Gram Sabha? Gram Sabha is basically all the voters. Gram Sabha kya hoti hai? Gram Sabha is the all Gram Sabha consists of all the voters of the country. Jo bhi bhai vote kar sakta hai wo Gram Sabha ka hissa hai. तो आपको ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करनी है, विच इज अ कंपल्सरी प्रोविजन। बट फिर से वही चीज आ गई कि यहाँ पे वॉलंटरी प्रोविजन भी है कि आप ग्राम सभा को क्या पावर्स देते हैं, वेदर यू गिव देम फाइनेंशियल पावर्स और नॉट, वेदर इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी और नॉट, इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड, राइट। सेकेंडली इट ऑल्सो आस्क फॉर अ थ्री टीयर स्ट्रक्चर। थ्री टीयर स्ट्रक्चर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे एक बॉडी होगी और लोकल लेवल पे या विलेज लेवल पे बॉडी होगी। थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाना है आपको, राइट। देन इलेक्शंस। अब इलेक्शंस कैसे होंगे? सबसे पहली बात तो इलेक्शंस कराएगा कौन? इलेक्शंस कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। सी, अब इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस जो होंगे जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के, वो जो बॉडी होगी जो कंडक्ट कराएगी, दैट वुड बी द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन विड बी अ सिंगल मेंबर बॉडी हेडेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट and removed by process similar to the removal of a state or the removal of a high court judge, ठीक है। So इससे हमें क्या पता चलता है? That security of tenure is provided to the state election commissioner. Security of tenure like कि जो रिमूवल है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। अब इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन जो होंगे वो कब होंगे कि भाई आपको इलेक्शन जो है वो 5 साल के ड्यूरेशन होता है, 5 ईयर ड्यूरेशन है अगर पंचायती राज या पंचायत का या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो 5 साल खत्म होने से पहले अगर वो बॉडी डिसॉल्व हो जाती है तो आपको इलेक्शंस कराने हैं। इलेक्शंस कराने हैं, इलेक्शंस के लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करा लेने हैं। सपोज जैसे हमारे लोकसभा या जनरल इलेक्शंस में होता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होनी होती है 5 साल बाद, उससे पहले इलेक्शंस हो जाते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सिमिलर इज द केस विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बट ओनली विद द डिफरेंस कि जो इलेक्शंस है वो 6 महीने के अंतराल के अंदर आपको करा लेने हैं, राइट। ऑल्सो अगर हम जहां पर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात करें, अभी देखिए हम क्या कर चुके हैं, हमने ग्राम सभा डिस्कस कर ली, ट्रीटी स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस, ऑल्सो वी हैव डिस्कस द इलेक्शन। Now, one thing which we have not discussed is the elections to head. देखिए अब जो बाकी ग्राम सभा की हमने बात की, यहाँ पे तो सबके इलेक्शन तो जो मेंबर्स हैं उनके तो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट द हेड ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल?
डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे जो हेड होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे. इनडायरेक्टली कैसे, कि दे विल बी इलेक्टेड अमंगस्ट द मेंबर्स, राइट. तो मेंबर्स के अंदर से या जो अमंगस्ट द मेंबर्स आप लोग उनको जो हेड्स हैं इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो इलेक्ट कर लिए जाएंगे. वेयरएज अगर पंचायत की बात करें वहां पर जो ग्राम सरपंच होंगे वो बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वहां क्या प्रोविजन होता है. इलेक्शंस की बात हो गई, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, एससी एसटी रिजर्वेशन, एंड ऑल्सो 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वेमेन, ठीक है, नॉट लेस देन 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वेमेन. अब हम लोग जब 3-tier स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो एक यहाँ पर एक और प्रोविजन है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो पॉपुलेशन है दैट इज दैट हैज लेस देन 20 lakhs ऑफ पॉपुलेशन, अगर कोई जिला है जहां पर 20 lakh से कम जो पॉपुलेशन है तो वहां पर इंटरमीडिएट लेवल की जरूरत नहीं है, आप 2-tier से भी काम चला सकते हैं, बट ओनली इन एरियाज विद लेस देन 20 lakhs ऑफ पॉपुलेशन. ड्यूरेशन वी हैव डिस्कस्ड, 5-year की ड्यूरेशन होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की. इलेक्शन का प्रोविजन हम डिस्कस कर ही चुके हैं. डिस्क्वालिफिकेशन, नाउ सी, अगर आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के इलेक्शन फाइट करने होते हैं तो द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 25 years, राइट. बट इन केस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 21 years. 21 साल की अगर आप उम्र है आपकी तो आप वहां पर जो इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के. ऑल्सो कुछ स्टेट्स हैं वहां पर जिन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो भी डिफाइन किया है. ये बताया है कि कई जगह पर ये बताया गया है कि भाई कोई 10th pass होना चाहिए या फिर 10th pass नहीं तो फिर, जैसे अगर आप हरियाणा राजस्थान की बात करें वहां पर बताया गया था कि एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए. कोई कोई स्टेट्स कहते हैं कि आपको 8th pass होना चाहिए. तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि स्टेट्स ने डिफाइन की, बट इट इज अप टू द स्टेट्स टू डिसाइड. ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर भी था, ये जो जुडिशरी है उन्होंने भी इंटरवीन किया था, उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने में कोई इश्यू नहीं है. बट क्वेश्चन है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलाउ करना चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में. बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं तो फिर तो आपको जो MPs और MLAs इलेक्ट हो रहे हैं उनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को आइदर ही शुड बी 10th pass और ही शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. बिकॉज इफ अ पर्सन इज इलिटरेट, इफ अ पर्सन इज नॉट एजुकेटेड और इफ अ पर्सन वॉज अनेबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन दैट इज अ फेलियर ऑफ द स्टेट. और स्टेट के फेलियर के लिए आप कैसे जो लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. अगर स्टेट मुझे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाया तो वो स्टेट की गलती है, इट इज अ फेलियर ऑफ द स्टेट. आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि भाई मेरे को एजुकेशन नहीं मिला है, मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया. अनलेस देर इज सम अदर इशू, जैसे कुछ बच्चे होते हैं हु आर अनेबल टू स्टडी या हु डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी दैट पर्सन और दैट चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू स्टडी. सो फॉर फेलियर ऑफ अ स्टेट बेसिकली पीनलाइजिंग अ पर्सन इज रॉन्ग. सो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मैंडेटरी इन केस ऑफ इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. नाउ देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंसिस, नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो तो सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं. ऑल्सो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वही सारा काम करती है, तो एक टर्फ वॉर भी क्रिएट हो जाती है, राइट. टर्फ वॉर भी क्रिएट हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे. लाइक इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी से मतलब है कि प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती रिकॉर्ड्स की, एक कोई रिकॉर्ड मेंटेनिंग कम्युनिटी एक रिकॉर्ड मेंटेनिंग अथॉरिटी नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं होते कि अगर कोई फाइनेंसेस आ रहे हैं तो वो कहाँ पर यूटिलाइज हुए, वेदर दे वर यूटिलाइज प्रॉपरली और नॉट. सो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी की कमी है यहाँ पर, ये एक प्रॉब्लम है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, बहुत सारी ग्रीवेंसेज हैं जो कि हायर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फॉर द सेम. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. इसके अलावा एक और होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है कभी कभी. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं कई जगह पर एक्सेप्ट केरला एंड तमिलनाडु आर स्टार स्टेट्स, या इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, सो दे आर वेरी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग. बट अदर स्टेट्स आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स.
Now, what can be a solution? Solution can be basically that financial decentralization हो जाएगी. Independent finances आप उनको दे दें. सबसे अच्छा एक वो है, एक solution है, एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो financial या जो finance commission है वो financial decentralization करके पर्टिकुलर फाइनेंस अलॉट कर दे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और फिर वो अपने हिसाब से उसको एक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट कर सके. तो ये जरूरी है. सेकेंडली, देर शुड बी अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द पीआरआईज एंड ब्यूरोक्रेसी. सपोज कल को हम अगर कलेक्टर बनेंगे, सपोज आई एम अ कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर मेरे को काम करना है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज टू बेसिकली follow the orders of the local government, local self government. So if I am asked to do something by state government, I have to follow it, even if it is against the local government, because there is no particular relation defined between the PRIs and bureaucracy. This is what is required. A particular relation should be defined in the constitution so that the bureaucracy and PRIs work hand in hand and in a cooperative mechanism. Then empowering PRIs, जैसे मैंने भी बात की कि एक audit department या फिर इस तरह का department होना चाहिए जहां पर सबके records maintain किए जा सकें, ताकि वो खुद ही empowered हो अपने यहाँ जो development activities हैं उनको implement करने के लिए. So these are some solutions. Also another solution can be objective metering का मतलब है कि एक check रखा जाए कि कौन कौन सा काम किस तरह से हो रहा है, whether finances are utilized correctly or not. राइट, तो इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं टू प्रोवाइड और टू एम्पावर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ऑल्सो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उनका जो इंटरफेरेंस है वो कम होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टॉट इन द लेसन. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड और यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. So, thank you.